हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद साहब आजरम। आप फिर रमजान ट्यूटोरियल की क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स यानी प्रमेय। प्रमेय के बेसिक क्लासेस को आप लोगों ने अटेंड किया होगा। आप लोगों को दो वीडियोस इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देख लेना है, जिसमें से पहला वीडियो, दोनों ही वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। पहला वीडियो थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रेंसी को डिस्कस करते हुए है और एक वीडियो हमारे पास दिया गया है जिसमें किसी भी थ्योरम के बेसिक्स को दिया गया है। अगर आपने वो बेसिक वाला वीडियो और कॉन्ग्रेंसी ऑफ वीडियो को नहीं देखा है तो आज आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, इसलिए काइंडली पहले, इससे पहले कि आप इसे शुरू करें, उसे देख लीजिए। आज की प्रमेय के वाक्य यह है, सेंटेंस जो स्टेटमेंट जो हम लोग ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट जिसे हम लोगों को प्रूफ करना है, वो कहता है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप लोगों ने पूरा डायग्राम देखा है, पूरे डायग्राम को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया है कि कौन कौन सी चीजें आपको इस डायग्राम में दिखाई गई है। आपको जीवा के बारे में पता है जिसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, आपको सर्कल के सेंटर जिसे केंद्र कहते हैं पता है, सेंटर से जीवा के ऊपर में एक लंब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो वो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित कर रही है, ये आपको स्टेटमेंट बोला गया। दोबारा स्टेटमेंट बोल देता हूं, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड देन द कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड बाय दैट परपेंडिकुलर। यदि किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर एक लंब खींचा जाए तो जीवा समद्विभाजित होगी। ये करना आई थिंक आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिए हैं तो। नहीं सके हैं फिर भी मैं चले, मैं इन दोनों को पार्ट को डिवाइड कर देता हूं। दिया गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचा गया, इतना दूर दिया गया है। और क्या प्रमाणित करना है? प्रमाणित करना है कि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो दिया गया प्रमाणित करना है आप लोगों के, हमें करनी है रचना, तो हम करेंगे रचना। अभी तक हमें इस पूरे डायग्राम में कोई भी ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, हमें एक दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं जिसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा बाद में, जिसे हम लोग प्रमाण में करेंगे। उससे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को अपने सेंटर से कॉर्ड के एक एंड पर एक जॉइनिंग और दूसरे एंड पर दूसरी जॉइनिंग करनी होगी, यही हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? इस पूरे को अपने पर्टिकुलर डायग्राम को कॉपी में चले स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि किस तरह से ये सारा हमारा पार्ट किया गया। वेस्ट बंगाल बुक के पेज नंबर 55 में थ्योरी नंबर 32 है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, वृत्त के केंद्र से जीवा जो व्यास नहीं है पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हम इस प्रमेय को प्रमाणित करने वाले हैं। देखिए आपके पास, आप लोगों ने ये डायग्राम पहले भी देखा है, फिर भी इस डायग्राम को एक बार दोबारा देख लीजिए। ये है हमारा वृत्त, उसका केंद्र मैंने ड्रॉ किया है ओ, जो सेंटर है वो है ओ, जो जीवा कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया है वो है ए बी, मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो लंब खींचा है वो है ओ डी। तो हमारे पास वृत्त केंद्र, वृत्त उसका केंद्र ओ, जीवा ए बी, कॉर्ड जीवा ए बी और लंब ओ डी है। हमारा सर्कल का सेंटर है ओ, इसका कॉर्ड है ए बी और परपेंडिकुलर है ओ डी। इसके बाद हम लोग इसमें तो क्या दिया गया है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, दिया गया है वृत्त के केंद्र से, मैंने पूरे स्टेटमेंट को देखिए यहीं से खोज के निकाला, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए मैंने लिखा है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब है, ठीक है, मैंने दिया गया लिखा, मैंने प्रमाणित करना है कि लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मैंने बिल्कुल स्टेटमेंट को उसी तरह से सजा के लिखा, वृत्त का केंद्र, केंद्र कौन है ओ, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जिस जगह को मुझे भरना है। अगर आपने डायग्राम चेंज किया है, डायग्राम में आपने ओ की जगह में सेंटर को नाम दिया है ए, तो आप यहां लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र ए, जीवा, जीवा कॉर्ड कौन है हमारा, कॉर्ड है यहां पर ए बी, तो कॉर्ड मैंने ए बी लिखा इसलिए मैंने जीवा को मेंशन कर दिया, कौन सा जीवा ए बी, पर डाला गया लंब ओ डी, लंब मेरा कौन सा है ओ डी। अगर आप लोग डायग्राम चेंज करते हैं आपका लंब बदल जाएगा, उसे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कि लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लंब कौन सा है हमारे पास, लंब है ओ डी, समद्विभाजित करता है किसे, जीवा को, जीवा कौन है ए बी, कॉर्ड कौन है ए बी, समद्विभाजित करता है यानी कि बाइसेक्ट करता है यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, यही हमें प्रूफ करना है, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, समद्विभाजित करता है। हम लोगों ने रचना की, रचना क्या किया, हम लोगों ने सेंटर ओ से ए को मिलाया और सेंटर ओ से बी को मिलाया, ओ ए और ओ बी को मिला दिया। अब हम शुरू करेंगे प्रमाण। देखिए प्रमाण, इससे पहले कि मैं शुरू करूं दोबारा एक बार कह दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की थ्योरम एक वीडियो बनाया गया है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए, हम लोग उसे ही यूज करने जा रहे हैं। देखिए ये है हमारा प्रमाण, प्रमाण करते टाइम हमारे पास डायग्राम में जो दो ट्रायंगल्स बने हैं,
लेफ्ट वाला ट्राइंगल का नाम होगा ओ डी ए और राइट वाले का ओ डी बी। इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट। स्टार्ट करें, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में जैसा कि मैंने बताया है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आप लोगों को तीन कंडीशन खोजने पड़ेंगे। वो तीन कंडीशन क्या है आप लोग खुद खोजिए। देखिए पहले डायग्राम में, इन दोनों डायग्राम में सबसे पहले ओ ए पे फोकस कीजिए। ओ ए आप देख रहे हैं, ओ ए अगर आपको ओ ए दिख रहा है तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायग्राम में ओ जितना फिगर में जो भी ड्रॉ है सब भूल जाइए, सिर्फ ओ ए को दिखे, तो आपको क्या दिख रहा है? इट इज अ रेडियस। एग्जैक्टली, एंड ओ बी अगेन इज अ रेडियस। और हम जानते हैं ना किसी एक सर्कल में रेडियस ऑलवेज इक्वल होता है, तो ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल। तो हमें पहला चीज क्या मिला, देखिए प्रमाणित करते टाइम हमें पहला चीज मिला इन दोनों ट्राइंगल्स में, पहला कंडीशन मिला ओ एन ओ बी आर इक्वल। एंड वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दोनों एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, दे आर रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। सेकेंड कंडीशन खोजते हैं, देखिए सेकेंड कंडीशन अगर इसमें आप खोजेंगे तो आप लोगों को मिल रहा है ओ डी ए एंड ओ डी बी, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। वाई? बिकॉज वन इज परपेंडिकुलर अपॉन ऑन, ओ डी इज परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, ओ बी लंब है ए बी पर। अगर कोई एक लंब है किसी एक पर तो डेफिनेटली उसके दोनों तरफ जो कोण बनेंगे वो दोनों कोण बराबर होगा। अगर वो लंब नहीं होता तो जो कोण बनते हैं वो दोनों कभी बराबर नहीं होते। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में दिया गया है ना दोनों में लंब नहीं है, अगर ये लंब नहीं है तो ये दोनों कभी कोण बराबर नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से चूंकि ये लंब है तो हम लोग साफ कह सकते हैं ये ओ डी ए और ओ डी बी दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। प्रमाणित करते रहे हमारा दूसरा कंडीशन हो गया एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी। क्यों? क्योंकि ओ डी लंब है ए बी पर। तीसरा हमें सर्च करना है, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ डी एक कॉमन साइड है ना, ओडी लेफ्ट वाले में भी है, ओडी राइट वाले में भी है, तो ओडी इज इक्वल टू ओडी हम लोग कह सकते हैं। बट चूंकि हम लोग थ्योरम कर रहे हैं तो थ्योरम में उसे ऐसे नहीं कहते, उसे हम लोग ऐसे कहते हैं ओडी उभयनिष्ठ भुजा है, और इंग्लिश में कहेंगे ओडी इज कॉमन साइड। तो क्या मिला, तीन कंडीशंस मिल गए, वन इज साइड, सेकंड इज एन एंगल एंड थर्ड इज एन अगेन साइड। तो साइड एंगल साइड मिल गया। अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स ओडी एंड ओडीबी आर कॉन्ग्रुएंट, एंड बाय द प्रॉपर्टी द कॉन्ग्रुएंसी डिपेंड्स अपॉन बाय द प्रॉपर्टी गिवन बाय द प्रॉपर्टी SAS। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांग सम, किस सूत्र से? SAS सूत्र से। अगर कभी भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों पर सीपीसीटी यूज होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला मिलता है कि रेस्ट, चूंकि SAS में हम लोगों को मिला है कि दो भुजाएं बराबर है, तो तीसरी भुजा जो बची कौन सी भुजा बची, देखिए तो हम लोगों ने एक साइड पढ़ा था OA इज इक्वल टू OB, हम लोगों ने OD के बारे में पढ़ लिया था, तो AD और DB के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। ये AD और DB, ये जो रिमेनिंग साइड है वो भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल हम लोगों ने पढ़ लिया है कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से उसके रिमेनिंग सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। चूंकि दो साइड यूज हुए हैं तो थर्ड साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट इसमें प्रूव हो गया, इसलिए बाकी दोनों रिमेनिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने वीडियो नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 33 करेंगे। इस तरह से हम लोग साल भर में केवल 15 वीडियोस करने वाले हैं, और इस सीरीज को मैं अपना सीरीज का नाम दूंगा थ्योरम्स। एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा इन थ्योरम्स में से कुछ एक सजेशन आप लोगों के लिए रेडी कर दूं। और फिर से एक बात जरूर कहूंगा, बच्चों के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे हमेशा थ्योरम्स को उसके नंबर के साथ याद रखते हैं। मैंने नंबर केवल आप लोग किताब में सर्च करके निकाल पाए इसलिए दिया है, नंबर इसलिए नहीं दिया गया है कि आप लोग थ्योरम को उसके नंबर से याद रखें। याद रखिए हर एक थ्योरम को उसके स्टेटमेंट से याद रखिएगा, स्टेटमेंट याद रहेगा तो आप दिया गया प्रमाणित करना है खुद निकाल लेंगे और कर पाएंगे। इस सीरीज को हम लोग नाम देंगे थ्योरम की सीरीज, इसके सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे, वन बाय वन सारे थ्योरम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। वेस्ट बंगाल के लिए टारगेटेड ये वीडियोस है। अगर किसी दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट आप हैं और आपको इसके अलावा किसी दूसरे थ्योरम की जरूरत पड़ती है तो काइंडली हमें कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अब तक हमें आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।